हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन और आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट नंबर 4। और ये 12 नवंबर को हुआ था और ये जितने भी प्रीवियस ईयर मॉक्स हैं ये सारे अड्डा पर हैं आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक को। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जल्दी से इंग्लिश, और ये टिक करते हैं। एंड ये जो दिखा रखा है ना पहले इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग, ऐसा पैटर्न था पहले लेकिन अब नहीं है। तो टेस्ट में वैसे ही है जैसा आपका एग्ज़ाम में आएगा, पहले रीजनिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 7 बॉक्सेस हैं, मतलब वो अनदर 2 बॉक्सेस आर कैप बिटवीन ए एंड बी, और एफ इज कैप जस्ट अबो बी। फिर क्या है, जी इज कैप्ट 2 बॉक्सेस बिलो एफ। द नंबर ऑफ पर्सन, द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबो जी इज सेम एज द बिलो ए। अबो जी है कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए। अबो जी सेम एज द 1 2 3 4 हो गए, और 5 6 एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, अबो जी और बिलो ए एकदम सही है। सी इज जस्ट अबो, सी इज जस्ट अबो डी बट बिलो ई, ये हमारा बन जाएगा ट्रू। बताना है मोर देन 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिलो ए, गलत। जी इज जस्ट अबो ई, जी इज जस्ट अबो ई हो गया। एफ इज कैप्ट बिलो डी, ये नहीं है। ओनली सेकेंड जो होगा हमारा सही। हाउ मेनी बॉक्सेज आर कैप्ट बी और सी, 1 2 3। इफ ऑल द बॉक्सेज आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन रिमेन्स अनचेंज ए बी सी डी ई एफ जी, सिर्फ एक है। इफ जी और एफ इज रिलेटेड टू जी, E is related to C, then which among the following boxes related to D? A आ जाएगा। Which of the following boxes kept third from the bottom most position? A. तो यहाँ से P greater than N, जो कि गलत है, N greater than equals to R, ये भी गलत है, neither nor. Q greater than equals to F, गलत है। E greater than M, E greater than R, R greater than F, F greater than, तो only second हो जाएगा। फिर Z greater than E, ये हमारा गलत हो गया। V greater than equals to J, V greater than equals, ये भी गलत है, neither nor। E greater than V, E greater than V सही है। V greater than equals to Q, ये नहीं होगा, only one। Certain number of person are sit in a linear row facing toward north direction. 5 person sit between T and, ठीक है, T हो गया 1 2 3 4 5, T and W 1 2 3 4 5, T हो गया। S is immediate left of W, S sit to the immediate left of W, 2 person T or U, or not more than one person sit S or U, T or U, एक दो T or U इधर आता है, not more than one है तो ये गलत। और 6 person L or U है, L is sit to the right of 6 person, 1 2 3 4 5 6, L sit to the right of W का। the number of person sit to the left of T same as the L or S, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म। वन पर्सन आर एंड यू, पी सिट एडजेसेंट टू आर, वन पर्सन आर और यू है, पी सिट एडजेसेंट टू आर। इवन नंबर पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एल, इवन नंबर पर्सन बट नॉट मोर देन द पर्सन सिट बिटवीन पी और एस, 1 2, यानी कि दो ही हो जाएंगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गए।
रो में है 17। फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, टी इज़ शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 नॉट ट्रू बोला तो ये तो सही है। ओड नंबर ऑफ पर्सन टी ओ डब्ल्यू, 1 2 3 4 5 ये भी सही है। एल फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड ये गलत है। पोजिशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस, पी विद रिस्पेक्ट टू द एस, 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट। देन ओनली फ्यू कप मग, ओनली फ्यू मग ग्लास सम प्लेट, ओल मग बींग ग्लास, मग बींग ग्लास इज ए पॉसिबिलिटी नहीं हो सकते, ठीक है। और क्या है, सम ग्लास इज नॉट प्लेट, सम ग्लास इज नॉट प्लेट ये नहीं पता हमें, तो नाइदर नोर इसका होगा। फिर है ओल एप्पल जो कि मैंगो है, ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, नो ग्रेप्स इज पपाया, सम एप्पल आर नॉट पपाया, सम एप्पल नहीं बता सकते, ओ सम मैंगो इज नॉट पपाया, सम मैंगो इज नॉट पपाया ये एकदम सही है। ओनली सेकेंड सम मैंगो इज नॉट पपाया। नो पेपर मनी, ओनली फ्यू मनी कॉइन, और ऑल बैंक इज मनी, इधर बैंक आ जाएगा। नो पेपर इज ब्लैक, एक सेकेंड, नो बैंक इज पेपर, बैंक इज पेपर ये सही है। और सम बैंक इज नॉट कॉइन ये हम नहीं बता सकते, तो ओनली वन। ओके, इफ वी अरेंज ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द सम ऑफ द सम ऑफ द नंबर विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं तो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट और सेकेंड फ्रॉम द राइट। ओके, तो डिक्रीजिंग में सबसे छोटा तो ये इससे ऊपर वाला हो जाएगा 639, सबसे बड़ा है ये, फिर ये आ जाएगा 842 यानी कि 11 8 1481। इफ इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट, तो यहाँ से 3 8 2 तो यहाँ पर 3 ही आ जाएगा, 6 3। व्हाट इज द सम ऑफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर 8 एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर फ्रॉम द सेकेंड डिजिट सेकेंड नंबर ये हो गया 10 हो जाएगा। इफ वी अरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, तो डिक्रीजिंग में लगाना है हमें, तो ये जो था सबसे छोटा तो 639 यही हो जाएगा। इफ वी एड ऑल द डिजिट विद इन द नंबर देन हाउ मेनी नंबर्स दस फ्रॉम डिविजिबल बाय 2, तो ये तो होगा 1 और यहाँ से 3 12 ये भी हो जाएगा 2, यहाँ पर 10 15 नहीं होगा, 3 10 ये हो जाएगा 3, 9 9 2 18 4 मोर देन 3, ठीक है। 8 पर्सनस हैं और ये है लिविंग इन 4-story बिल्डिंग, सो दैट ओके ए इज़ टू द वेस्ट ऑफ यानी 4 3 2 1। ए जो कि वेस्ट है बी के, ठीक है। एल इज 2 फ्लोर बिलो एम बट लिव इन डिफरेंट नेम फ्लैट, डिफरेंट फ्लैट हो गया। पी लिव्स ऑन साउथ और वेस्ट, पी जो कि साउथ वेस्ट ऑफ ओ, ओ लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर, ओ जो कि आएगा ओड पर, और क्या हो सकता है, एंड लिव्स ऑन सेम नंबर फ्लोर विद पी, एंड और पी हो जाएगा, और क्या है एम एंड पी लिव ऑन डिफरेंट फ्लैट नंबर, तो इसको हम देख लेते हैं। ओ हमारा ओड पर आएगा ना, ओ तो इधर ही आ सकता है सीधा सा, एक पी और एन इधर आ सकते हैं या फिर पी और एन इधर, अगर हम देखें तो फिर M और P जो है डिफरेंट फ्लैट पर इसने बोला है, तो M हमें इधर लेना पड़ेगा एक छोड़ करके, L इधर, इसमें हम कहाँ बना सकते हैं, इसमें बना ही नहीं सकते M और L, तो ये बनेगा नहीं। फिर आगे क्या बोला, Q lives just above S flat, Q just above S flat,
और फिर एल एम एन ओ पी क्यू आर बचेगा, आर इधर आ जाएगा। ओलिव्स ऑन द सेम फ्लोर विद ओ एस नॉर्थ और ईस्ट ऑफ आर, कोई भी नहीं आएगा, नो वन। ओलिव जस्ट अबो पी फ्लैट, जस्ट अबो पी का फ्लैट जो है जस्ट अबो एल है, पी फ्लैट के तो ऊपर यही है। फिर क्या है एम एस, एम एस ओ एन और एक आर हो गया तो एस लगा गया हमारा एक। चलो कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, एल जो है ई वन और टू सही है, एन जो कि ये नहीं है, एस बी एम ए नहीं है, तो पहला ही सही है सिर्फ एक। ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए आफ्टर वॉकिंग 11 मीटर टू ईस्ट डायरेक्शन ही रीचेस टू द पॉइंट पॉइंट डी, फ्रॉम पॉइंट डी ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर्स टू रीच द पॉइंट एफ, एफ टर्न टू द राइट 2 राइट्स जो कि एक है हमारा 10, एक है 8 और रीचेस टू द पॉइंट टी एंड जी, फ्रॉम पॉइंट जी ही वॉक 4 मीटर टू द साउथ एंड रीचेस द पॉइंट के, पॉइंट के ही वॉक सेम डिस्टेंस सम डिस्टेंस एंड रीचेस पॉइंट एम, एक सेकेंड, फ्रॉम पॉइंट के ही वॉक सम डिस्टेंस रीचेस पॉइंट एम विच इज साउथ ऑफ एफ, साउथ ऑफ एफ बोला है ना, तो 10 इधर और एम पर पहुंच गया ही। फ्रॉम पॉइंट एम ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 4 हो गया रीचेस टू द पॉइंट ओ, फ्रॉम पॉइंट ओ ही वॉक 11 मीटर्स टू, ही वॉक 11 मीटर्स टू रीच द पॉइंट एन विच इज टू द साउथ ऑफ ए, पॉइंट एन ये हो गया 11 ही। शॉर्टर डिस्टेंस ए और एन ये एक ही आएगा। इन विच डायरेक्शन पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू द एन, एन हो गया नॉर्थ और ईस्ट, बस यही थे क्या? ठीक है, इन द गिवन नंबर जो कि 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9 इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और देन पोजिशन ऑफ द हाउ मैनी रिमेन्स सेम पोजिशन आफ्टर, एक ही है सिर्फ। 7 पर्सन नेम ये के जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, और ठीक है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर। और फिर क्या है 3 पर्सन एफ और सी, और एफ वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग ओड नंबर ऑफ डेज, एफ जो कि 31 में, ए वॉज बोर्न बिफोर सी, ए वॉज बोर्न बिफोर सी इन द मंथ हैविंग इवन, ये आएगा इधर, तो 1, 2, 3 एफ इधर, 1, 2, 3 हो गया सी, एफ 1, 2, 3 सी आ गया। अब इसके ऊपर ए आएगा तो ए तो इधर ही आ सकता है, इधर आ नहीं सकता, एफ 1, 2, 3 सी, सी से ऊपर ये पॉसिबल नहीं है तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब सी और एफ ए इधर आ सकता है या फिर ए इधर आएगा। फिर क्या है द नंबर पर्सन बोर्न बिफोर ए इज़ 1 मोर देन द आफ्टर जी, यानी कि ए की होगा जी, इधर आना था इधर बन नहीं सकता, 1, 2, 3, 4 है तो 3 होंगे जी। फिर क्या है डी वॉज बोर्न बिफोर ई एंड आफ्टर बी, बी डी और ई, बी डी ई इधर आ गया, अब गलत कौन सा इनमें से, शुरू से देखते हैं। दिया 3 पर्सन एफ और सी, 3 हो गए, एफ वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग ओड नंबर ऑफ डेज, एफ जनवरी, फरवरी, मार्च, सही है ये भी। ए वॉज बोर्न बिफोर सी एंड बोर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज,
ही वॉज बोर्न बिफोर सी, ये भी ठीक है. द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर ए इज़ वन मोर. एक दो एक हो गया, एक दो तीन चार, दो तीन हो गया. बोर्न आफ्टर ठीक है. और क्या है भाई, ये पता कैसे चलेगा कौन सा सही है. डी वॉज बोर्न, ए बी सी डी ई एफ जी. बी वॉज बोर्न एंड आफ्टर, सही कौन सा है, कैसे पता चलेगा. इन विच ऑफ द मंथ डज डज डी वॉज बोर्न. तो डी है, एक तो अप्रैल दिखा रखा है इसने और एक मई. अप्रैल और मई दोनों ही हैं इसमें, पता कैसे चलेगा. हाउ मैनी पर्सन एफ और डी, एक भी नहीं है और दो हैं, या तो नन या फिर दो, इसमें भी हो रहा है. ऑल द पर्सन आर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर, सही है. डी बी एफ, इसमें देखते हैं डी बी एफ और ए और ई, ए और ई, यानी दो गलत आ रहे हैं. और इसमें देखते हैं डी बी एफ ए और ई, तो इसमें ए यही आ रहा है ना, तो ये मिलेगा इसका सही. ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया. देखते हैं हाउ मैनी इन फॉलोइंग डज डी वॉज बोर्न मई. ठीक है, हाउ मैनी पर्सन वर बोर्न एफ फॉर डी, वन टू. फॉर द पर्सन अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर जनरेट रिमेन्स अनचेंज. सो ए बी सी डी ई एफ जी, तो दो हैं. ठीक है, एफ इज रिलेटेड टू डी, दो का गैप. ए इज रिलेटेड टू जी, दो का गैप. इसमें देखिए एफ डी और ए और जी, ये भी सही बन रहा है. सी इज रिलेटेड टू ई आ जाएगा फिर. एफ इज रिलेटेड टू डी, ए इज रिलेटेड टू जी, होम ऑन द फोन इज रिलेटेड टू सी, यानी कि बी. ए एफ हो गया, ए का वन एफ सिक्स, ए थ्री, जे फिर के इलेवन, क्यू ओ पी क्यू सिक्सटीन और एम थर्टीन, एस का क्या होता है नाइनटीन, यू वी डब्ल्यू एक्स ट्वेंटी फोर, यू आगे ट्वेंटी वन. ठीक है, तीन कम तीन कम तीन कम, ये चार कम कैसे है इधर. क्यू कितना होता है हमारा सेवनटीन, यू वी ट्वेंटी टू, एस होता है नाइनटीन, माइनस थ्री हुआ. तो ये वाला गलत है इधर, एम थर्टीन और सेकेंड वाला ही गलत है. और यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, ई एक्स सी ई पी टी आई ओ एन, ऑल द वोवल्स आर चेंज टू द जस्ट सक्सीडिंग लेटर. ई एफ ई एफ आई जे ओ पी, द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर. ठीक है, प्रीसीडिंग. How many letters are formed and the words after it? How many letters are common? Previous M और यहाँ पर M P Q R S T M N O P A B X Y U V W X. ये common कौन कौन से, एक तो ये है नहीं, F हो गया, एक तो B भी नहीं है, O भी नहीं है, S भी नहीं है, सिर्फ ए की है जो कि कॉमन है. हाउ मेनी लेटर्स आर कॉमन, ए की लेटर है जो कॉमन है, आई थिंक ए की आना चाहिए इधर इसका आंसर, बाकी पता नहीं, देखते हैं अभी. तो इसको कर देते हैं स्किप, यानी कि सबमिट. फिर आगे देखते हैं ए बी और सी में, ये देखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ऑल ऑफ थ्री, जो कि एक्स और वाई का. एक्स में कितना होता है ये हमारा 90 180 180 का, फिर 300 ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, तीन यानी कि 100 हो गया. और यहाँ पर एक्स और फिर जेड का कितना हो जाएगा 300 400 468 डिवाइड बाय 3,
वन, वन सिक्स का फाइव, सिक्स 56 आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द बी सोल्ड बाय एक्स 96 एंड टोटल आइटम जेड, टोटल आइटम सी सोल्ड बाय जेड 168, 8 और 6 14, 16 264। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल आइटम ए सोल्ड बाय ऑल थ्री, तो यहाँ से आ 4 2 6 8 9 4 12 1 13 1 1 2 और 1 3, ठीक है। एंड फिर बी सोल्ड बाय ऑल, 8 और 6 14 का 4 1, और यहाँ पर अगर देखें तो हम 10 18 1 आ गया 1 2 3, तो यहाँ पर अगर 36 9 24 5 1 6, और इधर हम देखते हैं कितना आएगा, ये 32 गया 8 पर 4, यहाँ पर 2 और 1 2 और 4 8 7 8। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनी आइटम आइटम सोल्ड एंड मिनिमम नंबर ऑफ ऑल ऑफ थ्री, तो मैक्सिमम जो है 168 आई थिंक ना 168, और फिर मिनिमम जो है 84 है, 84 यहाँ पर 84 ही आ जाएगा आंसर। डी सोल्ड बाय एक्स इज 36 मोर देन द टोटल आइटम आइटम ए सोल्ड बाय द सेम शॉप, यानी कि 84 में से 6 और ऐड कर देंगे, 9 और 3 12 120 हो जाएगा, किस में हो जाएगा ये डी, डी का डी इधर लिख लेते हैं और एक्स में, ठीक है। एंड सोल्ड बाय द जेड इज, सोल्ड बाय द जेड इज 10% लेस देन द आइटम बी बाय द सेम शॉप, जेड क्या हो गया ये इधर, एंड सोल्ड बाय द जेड 10% लेस देन द आइटम बी जेड में 160, और इसका हम 90% निकालेंगे, 9 6 54 5 और 5 14 144, 144 ही हो गया, तो इनका हमें डिफरेंस बताना है, तो 4 2 24 आ जाएगा, ठीक है। इनको छोड़ते हैं अभी, यहाँ से देखें तो इसका आएगा माइनस थ्री प्लस प्लस पाँच तीन पंद्रह हो गया इधर, तो यहाँ पर छः पाँच, पाँच पाँच पच्चीस, नहीं पाँच दूनी दस पंद्रह, पंद्रह और दस आ गया, तो यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और हम अगर इधर देखते हैं कितना बनेगा ये, माइनस प्लस छः चौक चौबीस, पाँच और दो, और इधर एक सेकेंड, इधर भी प्लस माइनस और इधर भी प्लस माइनस, तो कुछ भी नहीं बनेगा ये, इधर है माइनस फिर प्लस प्लस प्लस, आठ और सात छप्पन और नाइन सेवन जा, तो यहाँ से वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स हो गया, ये उस तरफ जाएगा प्लस माइनस एक, तो बारह हो गया, सत्रह अट्ठाईस बारह होता है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई हो गया, यहाँ से हमारा माइनस 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 माइनस, और 154 कितने पर जाएगा, दो पर कर देते हैं, सात दूनी चौदह, फिर सात दूनी चौदह इलेवन और सेवन चौदह और ग्यारह, बना क्या नहीं बना, बाईस और सात, हाँ ये बन जाएगा बाईस और सात हो गया, इलेवन एंड सिक्स ये हो गया, तो यहाँ से भी कुछ, अब ये देखना है हमें, तो प्लस वन हुआ, फिर प्लस यहाँ पर कितना 24 25, फिर प्लस वन और चार चार आठ, यानी कि एक पाँच नौ, चार चार का गैप चल रहा है, फिर इधर कितना हुआ 14 में से पाँच गया तो नौ आ गया, और बचा कितना 30 और एक 16 बचेगा, तो यानी कि 13 आ गया, सही है। फिर अगला कितना आना चाहिए, 17 का आना चाहिए, 12 में से आठ आ गया, तो 89 होता है, लेकिन यानी कि ये हमारा गलत है, ये नहीं आएगा, क्या हो गया,
तो यहाँ पर इंटू वन प्लस पॉइंट फाइव इंटू टू प्लस पॉइंट फाइव इंटू थ्री प्लस पॉइंट फाइव अगर करते हैं हम तो थ्री का कितना हो जाएगा, दो का हम करेंगे तो ग्यारह, ग्यारह और छः सत्रह हो गया। तो फिर इंटू कितना करते हैं हम इंटू फोर प्लस पॉइंट फाइव, तो सत्रह चूँकि अड़सठ, अड़सठ पॉइंट पाँच हो गया, इंटू फाइव प्लस पॉइंट फाइव इंटू अगर फाइव करते हैं सिक्सटी एट पॉइंट फाइव पाँच, पच्चीस दो आठ पाँच चालीस इकतालीस बयालीस चार छप्पन्जे तीस इकतीस बत्तीस चौंतीस, तो थ्री फोर थ्री होना चाहिए ना, तो यही गलत है हमारा। नेक्स्ट क्या है, इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर होना चाहिए था, ये गलत हो गया। यहाँ पर प्लस में ज़ीरो टू, फिर प्लस कितना हुआ यहाँ पर अगर फोर्टी ट्वेंटी थ्री, फिर प्लस सिक्स टू, फिर प्लस थर्टीन एंड सिक्सटीन ट्वेंटी नाइन, फिर प्लस टू एंड थ्री तीन तीन तीन, तो इधर तीन, हाँ इधर भी तीन है, सही है। फिर प्लस में अगर देखते हैं तो थर्टी फाइव थर्टी थर्टी सेवन जो कि नहीं होगा, तो लास्ट वाला हमारा गलत हो गया। इधर दस बीस तीस चालीस होना चाहिए था, अस्सी गलत है, इधर साठ डबल डबल, इधर छत्तीस इंटू फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर करेंगे तो नौ चौक छत्तीस हो गया, पाँच नौ पंजे पैंतालीस, तेरह इधर तेरह एक्स सही है इक्वल्स टू दो सौ सात, पैंतालीस जाएगा तो दो सोलह तेरह, तेरह पर जाएगा क्या ये, थर्टी सिक्स इंटू फाइव बाई टू अठारह आएगा ना, दो पर जाने के बाद मैंने ये चार कैसे कर दिया इधर, दो अठारह पंजे नब्बे, दो सौ सात में से जाएगा सेवन इलेवन, तेरह पर चला जाएगा अभी नाइन आ जाएगा, छत्तीस का हो गया साठ इंटू थ्री बाई टू, तीन तिया नब्बे हो गया, प्लस पाँच गया तो बहत्तर, तीन दूनी छः सात इक्कीस, दो सौ सोलह छः जीरो तीन सौ छः, दो सौ दस माइनस हो जाएगा तो छः यहाँ से नाइन्टी सिक्स, एंड यहाँ पर 120 इंटू 195 डिवाइड बाई 13 माइनस एक्स इक्वल टू दो सौ छप्पन, तेरह एकम तेरह, तेरह पंजे पैंसठ और एक सौ अस्सी, तो यानी कि 1800 हो गया, दो सौ छप्पन जाएगा चार चार और सत्रह में से दो गया तो पंद्रह है ना, देन चाहती है बारह बारह एक सेकेंड, पाँच नौ तो इधर हो गया और यहाँ पर दो दूनी चार प्लस में एक अपॉन छः नाइन, फाइव बाई सिक्स हो गया इंटू नौ, नौ छः चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अठारह उनसठ, फिफ्टी नाइन बाई सिक्स इंटू फोर्टी फाइव टू फोर्टी और छः चौक चौबीस चार पाँच नौ आ गया, पाँच दो दो आ गया, नौ दूनी अट्ठारह अट्ठारह फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन इंटू एटीन सेवेंटी टू चालीस सैंतालीस और नौ छः पाँच दस दस बासठ, फिर है वन बाय एट इंटू आठ आठ चौंसठ, इसी कट जाएगा मतलब ऊपर बचेगा, सिक्स इंटू नाइनटीन इंटू टू पॉइंट फाइव यहाँ पर आएगा, पाँच पाँच उन्नीस पंजे पचानवे, एक सौ पच्चीस में से माइनस करेंगे तो तीस बच, तीस बचना चाहिए ना, ये तो सिक्सटीन इंटू नाइनटीन सिक्स था क्या, टू पॉइंट फाइव टेन पाँच दो तीन पाँच थी उन्नीस थी फिफ्टी सेवन फाइव सात पंजे पैंतीस तीन पच्चीस तीन अट्ठाईस एक सौ पच्चीस आएगा ज़ीरो छः एक सौ साठ आएगा,
और यहाँ पर 25 चौके 100, 10 25 दूनी 50 और 1 60 600 हो गया, और 13 5 5 दूनी 10 600 10 हो जाएगा, 15 यहाँ पर है, 15 उससे जाएगा तो 25 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर 6 7 8 हो गया, 5 3 8 7 और 4 11, 361 माइनस कर देंगे 72, तो यहाँ पर आएगा 8, 990 में से करते हैं तो 3, 8 में से दो गया 6, यहाँ पर एक आ जाएगा 170 163। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो कितना बनेगा भाई, 17 51, तो ये कट ही जाएगा और ये 5 आएगा, 5 आएगा इधर, 13 उधर है, 13 में से 5 जाएगा 8, 8 का ये हो जाएगा 2। इसमें देख लेते हैं तो 9 तीन तिया 9 9 81, 431 81 जाएगा 2, 8 5 8 और 3 11, 512 होता है 8 का। ये पल्लवी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 और हिमांशी इज 100% मोर देन द पल्लवी, पल्लवी अगर 18 दिन में पूरा काम हो जाता है, फाइंड द टोटल 3 दिन तो 6 दिन में हो जाएगा टोटल। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25% मोर यानी 5/4 देन द ब्रेथ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 पाँचों के 20 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2880 है तो 144 एक्स की वैल्यू आ गई 12। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बताना है 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 10 216। शॉपकीपर सोल्ड ए आर्टिकल एट इतना एंड मेक ए लॉस ऑफ, यानी कि ये जो है 80% की वैल्यू है, 6600 हो गई हमारी सीपी। ठीक है, इफ़ ही सोल्ड द सेम आर्टिकल 1/8 ऑफ द प्रॉफिट, अगर 600 है इसका 1/8 अगर हम करते हैं 8 8 7 56 8 5 यानी कि 75 यानी कि 675 प्रॉफिट 675 हो जाएगा सेलिंग प्राइस इसका। पी प्लस क्यू दे रखा है ये पी, तो इसका क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू 25, तो इधर हमारा पी प्लस क्यू की वैल्यू है 7, तो पी माइनस क्यू हमारा होगा 25/7, और हमें निकालना क्या है P इंटू क्यू निकालना है। ओके, P प्लस क्यू कितना है, P प्लस क्यू हमारे पास है 7, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 2P आ गया इक्वल्स टू 27, 25 अपॉन 7 प्लस 7 सात हो जाए तो 49, 7 9 और 5 14, 4 5 6 और 1 7 7 बाई ये आ गया अपॉन में 2 35 36 37 आ गया 37/7, तो ये आ गया एक तो आ गया हमारे पास ये पी की वैल्यू आ गई, और पी की वैल्यू हमें 7 - 37/7 सात तो 49 ही हो गया, बचा कितना 2 1 इंटू में 13/7 ही हो गई ये, और इसका 1/2 हमें करना है। कुछ गलत ले लिया क्या मैंने, अगर हम पी प्लस क्यू का पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस 2 PQ, ठीक है दोनों तरफ अगर स्क्वेयर कर दें, इसकी वैल्यू कितनी है 25 है, उस तरफ जाएगा 25 4 2 और ये बन जाएगा 12, और इसका 50% लेना तो 6 आ जाएगा, फालतू में इतना टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, एक्स ओ एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस 3000 एंड आफ्टर 4 मंथ वाई ज्वाइन करता 3000 प्लस पी एंड ऑफ द ईयर यानी 4 महीने के बाद लगाता है, यानी कि 8 ये है पूरा 12, 2 आ गया इधर 3, 2 आ गया तो 15, 15 थी 45, 3000 प्लस पी रेशियो ऑफ द एक्स और वाई का दे दिया 9/10, 3000 प्लस पी हो गया 9, 5000 आ गया, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2000। इधर है टोटल अमाउंट, इसको हम बाद में देखते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 50% मोर यानी कि 1/2 होता है, 1 ज़्यादा यानी 3 4 ये हो गया, एंड द 5 ईयर अगो माइनस 5 ईयर्स ए वॉज 50% ऑफ द ए एंड बी 3:2 है,
5 year ago, 5 साल पहले A की एज जो थी 50% थी, 50% ऑफ द एज ऑफ बी 10 year हेंस, ठीक है, 3 × 2 = 6 माइनस 2 = 10 और 10 = 20 हो गया, 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 5, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ 1 की वैल्यू तो 5 ही आ जाएगा डिफरेंस इनका, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम यू माइनस वी 70% था यू प्लस वी, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो वी हम निकालते हैं तो 3/2 होगा जिसकी वैल्यू 6, 1 की वैल्यू आ गई हमारी 4, 7 × 28 ही होगी और 40 हमारी ये होगी। टाइम टेकन बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम 55, डाउन स्ट्रीम हमारी है 40, ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई, काट देते हैं 8 और 11, 8 × 8 = 8, 3/3 कितना बचेगा हमारे पास इधर, 8 3 ऊपर बच रहा है सीधा, 8 में से 8 का आधा होता है 4, 4 तो ये हो ही गया, तो आई थिंक ये आएगा इसका आंसर, है ना, 8 × 7 = 56 × 7 = 21 होता है, तो हाँ यही बनेगा इसका, और कोई मुझे नहीं लग रहा। और अ ट्रेन इज रनिंग विद द 3108 पासेस अ ट्रेन स्टेशन 15 5/18 18 × 5 = 6 × 30 15 × 3 = 45 जो कि ट्रेन की होगी लेंथ, इफ द स्टेशन लेंथ ऑफ द स्टेशन इज 50% ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन 225, 5, 7 और 6 फाइंड द टाइम, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेशन, है पास इज द 450 है पूरा ये, और लेंथ ऑफ द स्टेशन इज 50% ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो 150 आ जाएगा लेंथ ऑफ द स्टेशन। वेसल कंटेन क्यू लीटर ऑफ मिल्क 13:7, 60 liters अगर टेकन आउट 5 milk इज एडेड द वॉटर बिकम्स 50% ऑफ द मिल्क, 7 × 7 = 14, 1 की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, या गया 20 × 20 = 100 निकाला था 160 होगा, यहाँ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम भी 50% 50% है, यानी कि 2:1 के रेशियो में है। द स्कीम ए एंड बी ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट 20% and 10%, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए लगाई गई है, तो 20 का कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा ये तो, हाँ 44% और 10 का 21% हो जाएगा। विमेन गेट ए टोटल इंटरेस्ट, तो ये हम इतना मान लेते हैं, 4 × 8 = 8 हो गया, 3 × 3 = 6 = 8, 9 × 10 = 11 9 × 1 = 15 जिसकी वैल्यू है ये, तो यही आ जाएंगे हमारे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 500, तो ये तो हो गए सारे के सारे। अभी इसको भी हम स्किप कर देते हैं, देन अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। एक तो ये पैराग्राफ है आरसी, चलते हैं आगे, सेवरल, सेवरल का अपोजिट पार्टिसिपेट का सिनोनियम बताना है हमें, काउंट रिफ्रेन एंगेज, देन अभी चूज करना है नो एरर, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट एज वेल एज बाय सेवरल अदर कंट्रीज फॉर फेल टू टेक ए स्ट्रॉन्गली स्टैंड अगेंस्ट
स्ट्रॉन्ग स्टैंड आएगा ये, क्यों इधर हमें एक सेकंड, स्ट्रॉन्गली स्टैंड अगेंस्ट रशिया एंड नो एंड फॉर नॉट डायरेक्टली कमेंडिंग इट्स अग्रेशन टू यूक्रेन। प्री प्रिंट क्लेम्ड दैट द फिटनेस ऑफ द SARS-CoV-2 वैक्सीन इज फिटनेस ऑफ इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द नेचुरल फिनोमिनन ऑफ प्योरीफाइंग सिलेक्शन ऑफ द स्पाइक प्रोटीन बिकॉज ऑफ द नेचुरल फिनोमिनन natural phenomenon of purifying selection of spike protein to study the behavior of the star you could plotted a graph of the color of a star which is indication of its surface temperature against its magnitude which is related to the energy given of it. इसको छोड़ते हैं अभी। In the burn of wood, carbon and hydrogen is oxidized in a heat generating reaction, the end products of which are carbon dioxide and water. Okay, laptops. Practical come from laptop names comes from lab. It was deemed place to be practical on a person lab when being used to be B or D ka second place to be used C or D used when being practical. Fatigue has a problem A or C has a vague and difficult problem has a problem difficult report for doctor fatigue has a report as a vague as a problem has a vague and difficult report for doctors investigate and many people with fatigue do not report it to The way customer nutrition obtained customer information has changed subsequently in the past two decades. यानी कि D तो सही है, A और B. The way consumer obtained nutrition information has changed. Improving the performance of context system and reducing their environmental impact are crucial in the current and future world context. B or D. Mortality leads to population leads to
डैश चाइल्ड बर्थ एंड हाई पॉपुलेशन रेट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द डिफेक्टिव मोर्टेलिटी लीड्स टू डिफेक्टिव Both countries must ensure more dash efforts more ignited ठीक है. The National Week has great importance in the eye of great significance. Great significance in the eye of the Indian importance in the eye of societies and economies in the world became intertwined closely in the training for future leaders of public transport in the swiftly evolving leaders of public transporter in the rapidly evolving logistics sector is the most important task. Train the future leaders of public transporter in the swiftly evolving logistics. Children who tested positive have been separated from their parents. Distinguish separated from parents. And अब ये है main task तो अब ये है. तो the side effect of working at young age a risk of concentrating conceptual disease like skin disease, lungs, weak eyesight, vulnerabilities, sexual exploitation at the workplace, deprived of education. Child labor refers to employment of children in any work that deprive their children with their ability to attend regular schools. In a sense, child labor is open exploitation as it's deprives children of education and pushes them into dangerous situation. In the same manner, child labor prohibition and regulation amendment act prohibits the employment of in the Indian Constitution, Article 27, that a child cannot be टू परफॉर्म एनी हजार्ड वर्क्स इन द सेम मैनर यानी कि ई और डी बनेगा एक तो और द साइड इफेक्ट ऑफ वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन एनी वर्क दैट डिप्रेस फ्रॉम देयर चाइल्डहुड इंटरफेरेंस विद देयर एबिलिटी टू अटेंड रेगुलर इन सेंस चाइल्ड लेबर इज ओपन एक्सप्लॉयटेशन एज इट्स डिप्रेव Children of education pushes them into this. In Indian Constitution, the same manner. E और फिर D एंड सही मैनर इसका क्या बनेगा मेन तो इन तीनों को अरेंज करना इन ए सेंस चाइल्ड लेबर इज ओपन एक्सप्लॉयटेशन यानी कि ई डी ए सी और बी ये देखा जाएगा जैसा भी होगा अभी हमारा फर्स्ट
क्योंकि आगे भी क्वेश्चन हमें करने हैं। फोर्थ है सी, फिर थर्ड हमारा ए, लास्ट है हमारा बी, सेकंड हमारा डी, ये एक मैंने छोड़ दिया था, और क्या है सेवरल। अब देखते हैं व्हाट डेमोन्स्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ डे, व्हाट ड्रॉ गे लॉर्ड टू एक्ट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग अर्थ डे फॉर द फर्स्ट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डेमोन्स्ट्रेट द एफर्ट्स मेड बाय लॉर्ड ऑफ द अर्थ 1970। ठीक है, हाउ वॉज अर्थ डे 1970 रिसीव्ड। ठीक है, एवरी ईयर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड सेलिब्रेट अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल टू शो देयर सपोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ एंड एनवायरमेंट। इवेंट ऑन द डे इंक्लूड्स प्लांटेशन ड्राइव्स प्रोटेस्ट, अवेयरनेस सेशंस, कंपटीशन फॉर चिल्ड्रन एंड सो ऑन। अर्थ डे इज बिलीव टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविक ऑब्जर्वेंस इन वर्ल्ड। ठीक है, द फर्स्ट एवर अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड 1970 एंड इज एटीट्यूटेड। ठीक है, एटीट्यूटेड टू गेलोर नैनसन, अ US पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज ए गवर्नर एंड ए सेनेटर ड्यूरिंग हिज कैंसर। सेंटा बारबरा इन कैलिफोर्निया वॉज रिवेस्ड बाय मैसिव ऑयल स्पिल विच सर्व्ड एज ए मोटिवेशन फॉर द सेनेटर टू वर्क टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, सेनेटर नेल्सन वॉज इंस्पायर्ड बाय द स्टूडेंट एंटी वॉर मोमेंट ऑफ द टाइम एंड वॉन्टेड टू ब्रिंग इट इन एनर्जी इन टू पब्लिक कॉन्शियसनेस अबाउट पोल्यूशन। ही पार्टनर्ड विद पैट मैरिक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन फॉर अ टेक इन और एन इनफॉर्मल लेक्चर ऑन कॉलेज कैंपस टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट। सेनेटर नेल्सन also roped in Dennis, a young activist to organize the lecture and choose 19 April 22, a weekday between spring break and final examination to maximize attendance. Should support a demand to clean the response nahi to initiative was support social and political industries co-friendly. Mr. Hayes realized the potential of the exercise and wanted all Americans to benefit from it, and hence he built a nation staff 85 people to promote it far and wide. They were soon joined by other inspired to protest the environment. The lecture day was renamed Earth Day. Garnering media attention and inspiring around 20 million Americans to step out on the street against the impact of decades of industrial development with little care of environment or its impact on health. Earth Day registered rare support from across the politician spectrum, Republicans and Democrats. Republicans and Democrats, rich and poor, urban dweller and farmers, business and labor industry all came together to show their support. How was the international land on support to cause the cause a demand of by the end 19 the US said the United States Environmental Protection Agency to take care of matter related environmental protection. The country also possesses several environment-related laws, including National Environmental Education Act, the Occupational Safety and Health Act, and the Clean Act. The Clean Water Act was passed by the U.S. Congress 2 years later in 1972. This was followed by the Endangered
स्पीसीज एक्ट 19, ठीक है। यस वॉज अप्रोच्ड बाय एनवायरमेंटल लीडर्स बिफोर 19 अर्थ डे टू प्लान ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 200 मिलियन पीपल फ्रॉम ओवर 140 कंट्रीज वुड पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑन अर्थ। It also dashed the way for the 1920. It also generated the accumulated signal the way. ठीक है, why demonstrate the significance of Earth Day? It garnered greatest interest and support for the world advent. Organize the purpose registration spreading awareness. सही है, it is the day that when the environmental concern rise globally. ठीक है, why does Railroad Act towards organizing first time trying to which of the following option demonstrate the efforts made by the organizing lecture or interact with activist and advocated the cause. How was the Earth Day received when the nation lends its support to the cause, demand the clean fuel? Was the initiative was supported by people regarding the politician and industry as a type of friendly operation, all of the above. How did concept of Earth Day benefit America? The last wala ye rehta hai na 48 in 19 time over hota ja raha hai. The Hayes, Mr. Hayes was also spread another global campaign for Earth Day 2000 and the focused global warming. So time ही over हो जा हो गया है हमारा, 6 रह गए यार question. RC के काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा है मुझे, RC में और better कर सकता था, तो overall जो score बना है 74. एंड आप लोगों ने अगर बना ये मॉक टेस्ट लगाया है तो अपना स्कोर जरूर से शेयर करना, ठीक है। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।